श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे। प्रतिदिन दे दे। और अब आप तो फैशन आ गया तुम लोग सौभाग्य का दान दे तो प्लास्टिक की डलिया मिलते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकरी में जब दान दिया जाता है तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ रहा है। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं, महाराज शिव तत्व की हो चल शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे महाराष्ट्र में वो बेटी अपनी माँ से कथा सुनती थी हेडफोन पर और माँ से कहती थी माँ अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो मुझे सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुना देना, मैं मर भी रही होंगी तो जीवित हो जाऊंगी। उस बेटी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चली रही है, उसकी वीडियो आई है महाराष्ट्र से और पत्र आया है महाराष्ट्र से, आशीष जी के पास में वीडियो और पत्र दोनों दिखा, उस बेटी का फोटो भी दिखा। बेटी वेंटिलेटर पर पहुंच गई एक्सीडेंट के बाद, डॉक्टर ने कह दिया ये जिंदगी भर नहीं चल पाएगी, ये कोमा में पड़ी रहेगी, पर बेटी के कान पर फिर हेडफोन लगाया गया और वेंटिलेटर पर शिव महापुराण की कथा एक दिन पूरी सुनाई और बेटी के शरीर में कुत्ते उस बेटी का वीडियो आया है और बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा था ये उठ नहीं पाएगी, वो बेटी मात्र एक महीने के अंदर वेंटिलेटर से भी उड़ गई, आईसीयू में पहुंच गई और पिता के साथ और माँ के साथ घर गई है, माँ और बाप कैसे नाचते हुए बेटी को अपने घर लेकर जा रहे हैं वो वीडियो में दिखाया। शिव ऐसा है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय बोले आना चेतना शिव महापुराण। कुछ तो शिव देता है। एक बात कहें आपसे, एक पत्र में अयोध्या से आए किसी भाई ने कुछ लिखा है, देखिए। सचिन यादव संदीप
अयोध्या धाम भरत कुंड अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो। भरत महादेव गुरुदेव, श्रावण की शिवरात्रि का विशेष पूजन किया था, उसका फल ये है। गुरुजी हमें बाबा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो गया। गुरुजी हम भोलेनाथ का दर्शन करने को सीहोर काफी दिनों से सोच रहे थे, अब आना हुआ। फिर हम अयोध्या जाकर सरयू मैया को और हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को विनती करे, कनक भवन सरकार को विनती करे कि हे मेरे राघव जी, हमें एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंचा दो, धाम का दर्शन करा दो। कथा सुनते समय मोबाइल भी भूला था और भोलेनाथ की कृपा से आज आ गया हूँ। गुरु जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे दोनों सरकार का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि राम जी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम बनाना था। तब मेरे राघव जी कुबेरेश्वर धाम का निर्माण और अयोध्या के मंदिर का निर्माण एक साथ कराए, भारत की गौरवता की बात है। और बहुत साधुवाद अवध नरेश, आप अयोध्या की पावन धरा से आए हो, प्रणाम करता हूँ अवध की रज को, प्रणाम करता हूँ आपको। बैठिए विराज, श्री शिवाय नमस्ते। उसको पहचानना बड़ा कठिन है। जो एक बार शंकर को जान गए, मेरे बाबा को जान गए, जो एक बार मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे ओंकारेश्वर को पहचान गए, फिर वो कभी जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकता। कहीं पर थोड़ा दुख अगर भारी होगा तो फाइल दबाने में समय जरूर लग सकता है, पर एक बात याद रखना, अगर एक बार शंकर के हो गए ना तो झुकने तो नहीं देगा वो कभी किसी के लिए। झुकने नहीं देगा वो, उसके बल पर जीना, उसकी आस पर जीना और उसके विश्वास पर जीना। भरोसा उसका करना। तेरा गीतिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। हमें तो मालूम भी नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से बोल पाएंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से चल पाएंगे, हमको मालूम नहीं था कि हमको दो नेत्र मिल जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि श्रवण शक्ति मिल जाएगी, हमको नहीं मालूम था कि अच्छी काया मिल जाएगी, हमको नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, हमको नहीं मालूम था कि अच्छा परिवार मिल जाएगा, हमको नहीं मालूम था कि अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छा पति पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब मिल जाएगा। ये तो परमात्मा का गिफ्ट है जो हमने पूर्व में कर्म करा, उस कर्म के फल अनुसार हमको परिवार कुटुंब कबीला और शुभ महापुराण की कथा मिल रही है। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है आपको, या आपका रोज प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से मिल रही है।
रोज मोबाइल का डाटा मैं फालतू मैसेज कर कर खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा फालतू की बातें देखने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की निंदा करने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की बुराई ढूंढने में खत्म करता था। पर आज मुझे गौरव